मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे, पूरे देश में शोक का माहौल है, तो वहीं आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब खबर यूपी के सैफई से, जहां की मिट्टी में जन्मे मुलायम सिंह यादव वहीं पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मुलायम की पार्थिव देह सैफई पहुंच चुकी है। उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। मुलायम के निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन और बिहार में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी सहित कई नेता शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजद चीफ लालू यादव समेत कई बड़े नेताओं ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुलायम सिंह यादव 2 साल से बीमार चल रहे थे। परेशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता रहा। पिछले साल उन्हें कोरोना भी हुआ। 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम पहुंचे थे। तब से आखिर तक वे वहीं भर्ती थे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। साथ ही आपको बताया, मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और साथ ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह भी आज अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सीएम गहलोत भी मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने होंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो हेड अमरीश सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए कि मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार होना है, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री समेत अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी वहां से? देखिए, यूपी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में होना है। सारी तैयारियां की जा रही हैं, उनका पार्थिव शरीर सैफई में ही है। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी के भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेलंगाना के सीएम के टीआर की सैफई में होंगे। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार नागालैंड के दौरे पर हैं, जिसके चलते वह अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर को नीतीश कुमार सैफई जाएंगे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है, अंतिम दर्शन के लिए मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा। इसके बाद ही 3 बजे अभी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। सीएम योगी कल रात नहीं, कल शाम को ही पहुंचे थे और उनके साथ साथ उनके सहयोगी मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए। अखिलेश यादव कल से ही, जब से मुलायम सिंह ने अंतिम सांस ली है, उनके साथ ही हैं। साथ ही साथ शिवपाल यादव भी तब से ही अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। जया प्रदा ने भी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की है। तमाम लाखों समर्थक जो हैं वो पहुंच चुके हैं और भीड़ अत्यधिक है, और ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो एकदम पुख्ता कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि बड़े बड़े लोग आ सकते हैं, उसके हिसाब से आज सैफई में किसी भी तरीके की कोई कोताही जो है वो प्रशासन नहीं बरतना चाहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही आएंगे, तो ऐसे में उनसे उनको लेकर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उनको भी काफी पुख्ता किया गया है।
उनकी आवास वाले रास्ते पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। अंतिम दर्शन के लिए लोग जो हैं वो भी उमड़ रहे हैं। ऐसे में भी पूरी तरीके से जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दिया गया है। और अंतिम दर्शन में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी के आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। आयुषी जी अमरीश, देखिए एक और तस्वीर आपने देखा होगा, इस समय सामने आ रही है कि मुलायम सिंह यादव को समाज सेवी भी कहा जाता था और उनके सरल स्वभाव से की वजह से उनको सभी पसंद करते थे। तो देखिए भाजपा की तरफ से सभी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि देखिए राजनीतिक लड़ाई एक तरफ और आपसी भाईचारा एक तरफ, इस तरह की तस्वीरें भी इस समय सामने आ रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए धरती पुत्र थे और जिस तरीके से एक किसान के बेटे थे, उसके बाद कुश्ती भी किया उन्होंने, शिक्षा जगत में आए, शिक्षक भी रहे, उसके साथ साथ जब राजनीति में आए तो राजनीति में अपने विचारों से, अपने पहनावे से, अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित करते थे। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति, हमेशा नेताजी की कोशिश करते थे कि उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए, अंतिम कड़ी तक जो व्यक्ति है। तो ऐसे में उनके लिए दूसरी पार्टियों में भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की जाए तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। 2019 में जब दोबारा चुनाव और संसद चल रही थी, उस वक्त भी उन्होंने खुले मन से और सबके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये कहा कि आप दोबारा प्रधानमंत्री चुनकर आए, यहाँ पे बैठा हर सदस्य फिर से दोबारा संसद में, हम ऐसा चाहते हैं। तो इस तरीके का उनका व्यवहार जो था वो सबको अच्छा लगता था और सब चाहते थे कि नेताजी इसी तरीके से रहें। लेकिन कहा जाता है कि जितना लिखा है उतना ही होता है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हमेशा उनका जिस तरीके से मुलायम सिंह का व्यवहार था, मुलायम सिंह का चरित्र था, सब चाहते थे कि मुलायम सिंह के साथ थोड़ा सा वक्त जो है वो गुजारा जाए। जी अमरीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस धरती पर मुलायम सिंह यादव जन्मे हैं, आज वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव देह को सैफई पहुंचाया जा चुका है, अभी उनके परिवारजन भी वहां पर मौजूद हैं। तो वहीं देखा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आज मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आपको जानकारी दें, पिछले काफी समय से मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब चल रही थी, जिस वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने कल अपनी अंतिम सांसें ली, जिसके बाद से ही पूरे देश भर में शोक का माहौल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शाकिब अनवर मेनपुरी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शाकिब, देखिए आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाना है, बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे उनके अंतिम संस्कार में, किस तरह की तैयारियां की गई है प्रशासन द्वारा? जी देखिए, आपको बताते चलें, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का एक व्यक्तिगत माहौल लोगों से जुड़ा हुआ है और दिली लगाव जो है, जिसके कारण लोग इतने ज्यादा सैफई में इकट्ठा हो रहे हैं कि चारों रास्ते ब्लॉक करने के बावजूद भी भीड़ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जी जी शाकिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुलायम सिंह यादव का कल उनका निधन हो गया, उसके बाद में आज सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें आपको जानकारी दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता आज शामिल होंगे उनके अंतिम संस्कार में। तो ही लोकसभा अध्यक्ष भी आज मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।
पिछले काफी समय से देखा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद कल मुलायम सिंह यादव ने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद से ही देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में शोक का माहौल है। जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब थी, जब वे भर्ती थे, तब पूरे देश में जनता द्वारा पूजा अर्चना की करवाई जा रही थी, हवन करवाया जा रहा था ताकि मुलायम सिंह यादव जल्द ही स्वस्थ हो सके, पर आखिर में मुलायम सिंह यादव ने कल दम तोड़ दिया और वह हमें अलविदा कह गए, जिसके बाद में आज उनके पार्थिव देह को सैफई ले जाया गया है, जहां पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, भाजपा के भी और कांग्रेस के भी, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि आज देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जिसको लेकर के सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है।